काट कर जुबा मेरी, कहता है जालिम अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। यहाँ पर तो महिलाओं को देश में देवी माना जाता है, पर ऐसे स्थिति में जिस तरीके की परेड हुई है, ये देश के एक एक व्यक्ति के लिए शर्मजनक बात, ये शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। 80 दिन हो गए चुप्पी तोड़ने में, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। जब मणिपुर जल रहा था तो वो विदेश का दौरा कर रहे थे, किस तरह से बेशर्मी के जवाब दे रहे हैं। अब पार्लियामेंट में चर्चा कर ली है मणिपुर पर, और चश्मा उतारिए सत्ता का, दंगा आपको सूट करता है। दंगों की वजह से आपकी दुकानें चल रही है, आपकी राजनीति चल रही है, कम्युनल एजेंडा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, देश के मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। मैं तो अब स्मृति ईरानी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप सरकार में मंत्री है लेकिन आप महिला भी तो है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप सिलेंडर लेकर सड़क पर घूमती थी, निर्भया कांड हुआ तब आप सिलेंडर लेकर आप सड़क पर घूमती, आप क्यों नहीं निकल रही। देखिए जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो विपक्ष हो, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है, तो मैं तो ये कहूंगा कि काट कर जुबा मेरी, कहता है जालिम अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। तो जिस तरीके का माहौल देश में है, इस माहौल के खिलाफ मौन सत्याग्रह है, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे वो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हो, ये डेमोक्रेसी का डिस्क्वालिफिकेशन है। तो हम देश में हो रहे जिस तरीके की विफलता भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, इसके खिलाफ आज जंतर मंतर में कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है। आखिर मोदी जी तो चुप्पी तोड़ चुके हैं, देखिए 80 दिन हो गए चुप्पी तोड़ने में, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। जब मणिपुर जल रहा था तो वो विदेश का दौरा कर रहे थे, तो ये कहाँ की गंभीरता है। मणिपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इतनी पावरफुल सरकार लेके आप चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप दंगे नहीं रोक पा रहे हैं, दंगे आपको सूट करते हैं, दंगों की वजह से दुकान आपकी चल रही है। आपका जो नैरेटिव है देश में, वो नैरेटिव ही आपकी सरकारों को जिंदा रखता है। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, 150 दिन और 14 राज्य में जब उन्होंने पदयात्रा की, तो लोगों को समझ में आ गया कि लोग जो देश है वो नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। और उसका एग्जाम्पल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, और यही मोहब्बत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 2024 में भी जो इंडिया नाम से गठबंधन बना है, ये जो भारत की आवाज है, इसको लोग जिताएंगे और एनडीए को हराएंगे। शर्मजनक है ना, इंडिया नाम से भी दिक्कत होने लगी आपको, है तो डर क्यों रहे हैं आप? आप जब कह रहे हैं कि आपका 56 का सीना है, आप ये डर रहे हैं कि मैं अकेला काफी, तो फिर क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा लोटा नेता है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी पदयात्रा किसी ने नहीं की, 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा हुई है, जो देश के लोगों ने आशीर्वाद दिया है राहुल गांधी को, ये स्वीकारा है कि देश जो है वो मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं, इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं आप? चर्चा करिए मुद्दों पर ना। आपने 10 साल सरकार चलाई, 10 साल आपकी सरकार को होने को आ रहे हैं ना, जिन मुद्दों से आपने वोट मांगा था झूठ बोलकर, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कहा था स्विस बैंक तो हम सीज कर देंगे, सारा पैसा देश में ले आएंगे, तो 15-15 लाख हर देशवासी के अकाउंट में आ जाएंगे। कहा आपने कहा था पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, आपने कहा था सारी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। अब बताइए 10 साल की सरकार में एक भी चीज आपने सस्ती की है तो बताइए, आप कंपैरिजन करिए ना 10 साल मनमोहन सिंह जी के सरकार के, 10 साल आपकी सरकार। पार्लियामेंट में चर्चा करिए, आपके विभाग के मंत्रियों ने क्या काम किया है बताया देश के सामने, रेल मंत्रालय क्या कर रहा है बताइए, आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है बताइए, आपका कृषि मंत्री क्या कर रहा है बताइए, आपका कापड़ मंत्री क्या कर रहा है बताइए, आप बताइए आपका हाउस मिनिस्टर क्या कर रहा है, आपका वित्त मंत्री क्या कर रहा है, आप इसका हिसाब दीजिए ना भाई। हिसाब क्यों नहीं दे रहे? हमने हिसाब दिया 10 साल की सरकार का। आप देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में पेट्रोल का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, अभी क्या है? जनता को राहत क्यों नहीं दे पा रहे आप?
जहां राज्यों में हमारी सरकार है, हम जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो या फिर 500 रुपए का सिलेंडर हो, राजस्थान की सरकार 500 रुपए में अगर सिलेंडर बेच सकती है तो आप क्यों नहीं बेच सकते? क्या 2024 में कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या महंगाई कम होगा? बिल्कुल कम होगा। जनता के मुद्दों पर यह चुनाव होगा, जनता की आत्मा और जनता की आवाज पे यह चुनाव होगा। यह चुनाव किसी दो दलों के बीच में नहीं है, यह चुनाव 140 करोड़ लोगों की जो जनता है, जिनका विचार इस भारत में बसता है, इंडिया में बसता है, इसके खिलाफ ये चुनाव है। जनता को राहत देने की सरकार बनेगी 2024 में। जिस तरीके की कांग्रेस की सरकार राहत दे रही है छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में, वैसे ही राहत देश में 2024 की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कह रहा है? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मजनक बात है। देश की आधी आबादी हम अपने घर में नजर नहीं मिला पा रहे अपनी बहनों से और अपनी माताओं से। ये पूरे देश का विषय है, ये किसी समुदाय किसी स्टेट का मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से देश की आबादी, जिसमें यहाँ पर तो महिलाओं को देश में देवी माना जाता है, और ऐसे स्थिति में जिस तरीके की परेड हुई है, ये देश के एक व्यक्ति के लिए शर्मजनक बात, ये शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी वारदातें ना हो देश में, और इसको आपको कड़क, आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, सक्सेसिव एक्शन लीजिए, ताकि इस तरह की हिम्मत ना कर सके कोई। लेकिन जिस तरीके की आपकी सीरियसनेस है इन मुद्दों पर, दंगा आपको सूट करता है, दंगों की वजह से आपकी दुकानें चल रही है, आपकी राजनीति चल रही है, कम्युनल एजेंडा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, देश के मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं तो स्मृति ईरानी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सरकार में मंत्री है लेकिन आप महिला भी तो है, आप उसी नजरिए से क्यों देख रही है सारी चीजें? एक महिला के साथ इस तरह से जो हुआ है, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं? देश की मंत्री है आप, सिर्फ ट्वीट करके? आप तो सिलेंडर लेके घूमती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आप सिलेंडर लेकर सड़क पे घूमती थी, निर्भया कांड हुआ तब आप सिलेंडर लेकर आप सड़क पे घूमती, आप क्यों नहीं निकल रही? देखिए, बात किसी समुदाय किसी सरकार की नहीं है, 140 करोड़ लोगों की आत्मा पे ये आवार हुआ है, ये सबको आहत करने की बात है। बहुत लोगों को नींद नहीं आई होगी। तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा है आपका, आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप तो कह रहे हैं हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, आपकी ईडी क्या कर रही है, आपकी सीबीआई क्या कर रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपका होम मिनिस्टर क्या कर रहा है कि 40-70 दिन तक पता नहीं चल रहा है कि इतनी घिनौनी हरकत हुई है वहां पर, वीडियो वायरल हुआ है तब आपको समझ में आ रहा है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है, और ये फेलियर के सामने हम चुनाव लड़ेंगे, 2024 में जीतेंगे। कहा जा रहा है विपक्षी 2024 का पूरा एजेंडा सेट कर रही है मणिपुर को लेकर के। भैया, कोई झूठ थोड़ी है, मणिपुर में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है मणिपुर में जो हो रहा है। तो आप किस तरह से बेशर्मी के जवाब दे रहे हैं? आप पार्लियामेंट में चर्चा कर ली है मणिपुर पर, और चश्मा उतारिए सत्ता का, किसी भी, आपके पास तो इतनी सारी एजेंसी आपकी बात सुनती है, किसी भी नेता के रेड पान में चली जाती है, तो आप उस एजेंसी को बोलिए कि निष्पक्ष जांच करें, रिटायर जजिस को आप बता कहिए कि जांच करके बताइए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और दोषी को बस सजा दीजिए, वही तो मांग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्या लगता है 2024 को लेकर के राहुल गांधी की व्यवस्था जो रद्द की गई वापस मिलेगी? देखिए, ये जो केस को जिस तरह के से लिया गया, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के खिलाफ ये बात की थी, जो देश का पैसा लूट कर जो चोर चले गए विदेश में, इनके खिलाफ बात हुई थी, किसी समुदाय किसी जाति के खिलाफ थोड़ी बोला है। तो ये केस को अगर मेरिट के ग्राउंड पे लिया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी। बिल्कुल, 2024 में जिन जिन प्रदेशों में दंगे हुए हैं, जिन जिन प्रदेशों में लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, मजदूर परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश है इस सरकार से। झूठ बोलने वाली सरकार को 2024 में देश की जनता हराएगी, और कांग्रेस की और एनडीए को हराकर इंडिया के गठबंधन को जिताएगी।